मैं आपको खुश कहता हूँ इस पहले मॉड्यूल के अंदर आ, आपको मालूम है इस कोर्स का नाम है एड्रेसिंग प्रॉब्लम्स ऑफ लर्निंग यूजिंग पैदागॉजी एंड टेक्नोलॉजी अब आप इसमें देखिए कि इसमें प्रॉब्लम्स ऑफ लर्निंग का हमने जिक्र किया है प्रॉब्लम्स ऑफ लर्निंग क्या होते हैं ये हम डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे एड्रेसिंग प्रॉब्लम्स ऑफ लर्निंग थ्रू पैदागॉजी पैडागॉजी क्या होती है यह हम डिटेल में डिस्कस करेंगे

पैडागोजी uh, में स्पेशलाइज करते हैं पैडागोजी क्या चीज़ होती है ये मैं अभी इनसे पूछता हूँ लेकिन मैं सिर्फ आपको ये बता दूं पहले कि हम पैडागॉजी इस कोर्स में सिर्फ पैडागोजी डिस्कस नहीं करेंगे हम ये एज्यूम करेंगे कि पैडागोजी के बारे में आपको थोड़ा बहुत मालूम है और उसको हम इस्तेमाल करना चाह रहे हैं इन ऑर्डर टू एड्रेस प्रॉब्लम ऑफ लर्निंग तो ये कोर्स पैडागोजी के बारे में नहीं है ये कोर्स यूज़ ऑफ़ पैडागोजी के बारे में है इन ऑर्डर टू एड्रेस प्रॉब्लम ऑफ लर्निंग मेरा नाम अशरफ इकबाल है आ uh, जैसा कि आप में से कुछ लोग शायद जानते हों मैं बेसिकली एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हूँ और यहाँ इस कोर्स में जो मेरा रोल होगा वो टेक्नोलॉजी का होगा टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन का होगा लेकिन इस कॉर्स में हम सिर्फ टेक्नोलॉजी डिस्कस नहीं कर रहे होंगे हम ये एज्यूम करेंगे कि बेसिक टेक्नोलॉजी का बेसिक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का आपको पहले से मालूम है हम उस बेसिक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को या टेक्नोलॉजी को यूज़ करने की कोशिश करेंगे टू एड्रेस प्रॉब्लम्स ऑफ लर्निंग तो इसका मतलब ये हुआ कि हम पेडागोजी जो अभी हमने डिफ़ाइन करनी है कि क्या होती है टेक्नोलॉजी टेक्नोलॉजी में क्या चीज़ें आती हैं वो भी हमने अभी डिस्कस करना है इन दोनों को इस्तेमाल करके इन दोनों को यूज़ करके हम प्रॉब्लम्स ऑफ लर्निंग को एड्रेस करने की कोशिश करेंगे इन ए क्लास रूम कौन से क्लासरूम की हम बात कर रहे हैं हम हाई स्कूल के क्लासरूम की बात भी कर रहे हैं हम मिडिल क्लासरूम की भी बात कर सकते हैं छोटे बच्चों के क्लासरूम जरा मुख्तफ हो जाते हैं हम उनका भी फिलहाल जिक्र नहीं कर रहे हैं, हम यूनिवर्सिटी क्लास की बात भी कर सकते हैं ज़्यादातर हम साइंस सब्जेक्ट्स और मैथमेटिक्स सब्जेक्ट्स पे कॉन्सेंट्रेट करेंगे लेकिन मेरे ख्याल में जो हमारी स्टडी होगी वो आर्ट्स पे भी क्या ख्याल है या आपका जी मेरा ख़्याल है वो आर्ट्स पे भी आ सकती है ह्यूमैनिटीज़ में भी आ सकती है हिस्ट्री पाकिस्तान स्टडीज इन सब चीज़ों के ऊपर प्रॉब्लम्स तकरीबन एक ही तरह की आती हैं और उनके सलूशन जो हैं आ, उनके अंदर सब चीज़ें सब आइडियाज़ मिल के हम इस्तेमाल करते हैं तो नाजरीन आप ज़रा सोचें इसके बारे में कि जब एक टीचर एक उस्ताद एक इंस्ट्रक्टर क्लास में दाखिल होता है तो उसका क्या मकसद होता है उसका िबा सिर्फ़ एक मकसद होता है कि वो कुछ पढ़ाना चाहता है वो बच्चों को कुछ समझाना चाहता है मिसाल के तौर पर अगर वो कैलकुलस का उस्ताद है मैथमेटिक्स का उस्ताद है तो हो सकता है वो आज के लेक्चर में फंक्शंस और रिलेशंस पढ़ाना चाह रहा हो डिस्क्रीट मैथमेटिक्स पढ़ाना चाह रहा हो अगर वो कैलकुलस का उस्ताद है तो हो सकता है वो डिफ्रेंशन और इंटीग्रेशन पढ़ाना चाह रहा हो अब आ, ये पढ़ाने का क्या मतलब है समझाने का क्या मतलब है आ, उसको ये कैसे एहसास होगा कि आज जब उसने डिफ्रेंशिएशन या इंटीग्रेशन उसने जब पढ़ाई है तो उनको वो सही मानों में समझ आ गई है या नहीं ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे अगर वो उसताद फिज़िक्स का है तो हो सकता है कि आज वो न्यूटन्स के लॉज पढ़ाना चाह रहा हो अब न्यूटन्स के लॉज पढ़ाने का क्या मतलब है और न्यूटन्स के लॉज जब वो पढ़ जाएंगे तो इसका मतलब ये इसका क्या मतलब होगा कि क्या वो कुछ प्रॉब्लम सॉल्व कर सकेंगे या सिर्फ आपका क्या ख्याल है देखें ये ये एक फिलॉसफी पे डिपेंड करता है कम अज़ कम उसका हमारा मिनिमम ये ख्याल होता है कि क्ला कि की किताब के आखिर में जो पाँच छः सवाल हैं उनका वो जवाब दे सकें लेकिन एक्चुअली इससे हमें एम्बिशस ज़्यादा एम्बिशस होना चाहिए उनकी सोच में एक सोच की साहितियत में एक तब्दीली आनी चाहिए ये मकसद होता है बुनियादी तौर पर तो इसका मतलब ये हुआ कि न्यूटन्स के लॉज आप अगर आपने पढ़े होंगे आपने पढ़े पढ़ाएं भी होंगे हो सकता है ये आ, कोर्स जो हम ऑफर कर रहे हैं ये इंस्ट्रक्टर्स के लिए है बेसिकली तो आपको पता नहीं अंदाज़ा है कि वो कितने पावरफुल लॉज हैं हम उनकी बेसिस पर कितनी बड़ी बड़ी प्रडिक्शनस कर सकते हैं हम ये बता सकते हैं कि ये स्यारा ज़मीन से कितने फ़ासले पर होगा छः महीने के बाद ये कितने फासले पर होगा साल के बाद ये कितने फ़ासले पर होगा तो एक तो यह है कि वो न्यूटन्स के लॉज़ को याद कर लें एक ये है कि वो न्यूटन्स के लॉज को समझने की कोशिश करें और न्यूटन्स के लॉज को समझ कर किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करें क्या उनको ये मालूम हो सकेगा या जब वो ये न्यूटन्स के लॉज पढ़ लेंगे कि अगर वो एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहते हैं एक नया प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहते हैं तो न्यूटन का कौन सा लॉ एप्लीकेबल होगा कौन सा लॉ एप्लीकेबल नहीं होगा और किन हालात में वो इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं ये सारी चीज़ें समझने और समझाने के डोमेन में आ जाती हैं जो इस कोर्स का एक बहुत अहम हिस्सा हैं हमने मैथमेटिक्स के टीचर की बात की हमने फ़िज़िक्स के टीचर की बात की हम केमिस्ट्री के टीचर की बात भी कर लेते हैं हो सकता है केमिस्ट्री का टीचर आज क्लासरूम में पीरियोडिक टेबल पढ़ाना चाह रहा हो पीडोडिक टेबल क्या होता है आपको मालूम है कि जो मुख्तलिफ़ एलिमेंट्स एग्जिस्ट करते हैं इस जहान में ना सिर्फ़ इस ज़मीन के ऊपर बल्कि यूनिवर्स के अंदर उनको हम एक पीरियडिक टेबल में अरेंज कर सकते हैं वर्टिकल कॉलम्स में अरेंज कर सकते हैं औरजेंटल रोज़ में अरेंज कर सकते हैं आखिर वो क्या बेसिस है जिसकी बेसिस पर हम इनको अरेंज कर सकते हैं वो कौन सी प्रॉपर्टीज़ हैं जिनकी बेसिस पर कुछ एलिमेंट्स एक कॉलम में आ जाते हैं कुछ एलिमेंट्स एक रोज़ में आ जाते हैं अगर वो बच्चे जिनको आप पीरियोडिक टेबल पढ़ाना चाह रहे हैं या समझाना चाह रहे हैं उनको पीरियोडिक टेबल अच्छी तरह समझ आ जाए तो फिर क्या हम उनको कैसे हम समझेंगे कि उनको हमने एम्पावरमेंट कर दिया है एम्पावर कर दिया है वो क्या नई नॉलेज इससे इस्तेमाल कर सकते हैं वो क्या एक नया प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं उनकी जो उनके पास जो टूल्स हैं साइंस के वो किस तरीके से उनमें इजाफा हो गया है जब वो इस दुनिया को देखेंगे जब वो रोज़मर्रा चीज़ों को देखेंगे तो पीरियोडिक टेबल को पढ़ने के बाद आ किस तरह उनकी सोच मुख्तलिफ हो जाएगी या फिर आप क्या कहेंगे इसके बारे में मेरा ख्याल है कि पीरियोडिक टेबल का वो बनाने का मकसद ये था कि बहुत सारी पीसेज ऑफ नॉलेज उस टेबल में बहुत कॉम्पैक्ट फॉर्म में दिखाए जा सकते हैं लेकिन ये अगर ये वो कॉम्पैक्टनेस स्टूडेंट पे ना कम्युनिकेट हो अगर उनको वो टेबल देख के एकदम समझ ना आए कि क्या क्या कनेक्शंस हैं इन एलिमेंट्स के दरमियान और क्या रिलेशनशिप्स हैं और क्या उनका स्ट्रक्चर है अटोमिक स्ट्रक्चर सब अटोमिक स्ट्रक्चर जिसकी वजह से ये टेबल जो है इस तरह बनाई गई है तो फिर वो टेबल जो है मेरे ख्याल में स्टूडेंट्स के लिए इतना फायदेमंद नहीं होती वो एज अ पेडोगोजिकल टूल उसका फायदा नहीं होता जबकि एज अ टूल इट्स उसका हो सकता है थोड़ा सा रीडिजाइन भी हम कर लें कि किस तरह ये इस टूल को हम इफ़ेक्टिवली जो कॉन्टेंट है वो इसकी इस इस टूल के थ्रू हम कम्युनिकेट कर सकें तो यासर आपने ये कहा कि पीरियोडिक टेबल जो है वो एटॉमिक स्ट्रक्चर के uh... किसी एलिमेंट का क्या एटॉमिक स्ट्रक्चर है उसकी बेसिस पर हम एटम्स को एलिमेंट्स uh, को अरेंज कर सकते हैं आ, आपको याद होगा कि जब पीरियोडिक टेबल शुरू में बना था तो उस वक्त एटॉमिक स्ट्रक्चर का हमें ज़्यादा मालूम नहीं था उस वक़्त एलिमेंट्स uh, को अरेंज करना वर्टिकली किसी ख़ास प्रॉपर्टी की बेसिस पर या हॉरिजेंटली किसी ख़ास बेसिस के ऊपर किसी ख़ास प्रॉपर्टी की बेसिस पर बहुत मुश्किल था लेकिन उसके बाद जब एटॉमिक स्ट्रक्चर लोगों को मालूम हो गया और काफ़ी हद तक उनको मालूम हो गया कि एक एलिमेंट की प्रॉपर्टीज़ किस तरह से उसके जो इलेक्ट्रॉन्स उसके आ, एटम के अंदर घूम रहे होते हैं जो आखिरी वैलेंस शेल होता है उसके इलेक्ट्रॉन्स ये डिटरमिन करते हैं ज़्यादातर ये डिटरमिन करते हैं कि उसकी प्रॉपर्टी क्या होगी तो उसके बाद तो फिर पीरियोडिक टेबल को बड़ी आसानी के साथ डिस्कवर किया जा सकता है जी कमाल इसका यही है कि ये पहले बल्कि पीरियोडिक टेबल देख के लोगों ने सोचना शुरू किया कि क्या प्रॉपर्टीज़ हैं जो इस जो टेबल जो हमने और तरह से बनाई है और रेगुलरिटीज़ को और प्रॉपर्टीज़ को देख के बनाई है उसको किस तरह एक्सप्लेन हाँ तो इसका मतलब ये हुआ कि अब आजकल के हालात में जब जो कि बहुत मुख्तलिफ हैं उन हालात से जब पीरियडिक टेबल शुरू में लोगों ने सोचा था आजकल के हालात में हम स्टूडेंट्स को इनक्रेज कर सकते हैं कि उनको एटामिक स्ट्रक्चर पहले बता दिया जाए और उसके बाद हम उनसे वो सारा कुछ डिस्कवर करवाने की कोशिश करें तो नाज्रीन मैं आपको बताना ये चाह रहा था कि किस तरह जब हालात तब्दील होते जाते हैं और हमारी नॉलेज में इजाफा होता जाता है जैसे एटॉमिक स्ट्रक्चर की नॉलेज में हमारा इजाफा हो गया तो उस हिसाब से हमारे पढ़ाने का तरीका भी साथ साथ बदलता चला जाता है तो नाज्रीन अब आप ये सोच रहे होंगे कि क्या इस कॉर्स में हम न्यूटन के लॉज डिस्कस कर रहे होंगे या इस कॉर्स में हम पीरियोडिक टेबल डिस्कस कर रहे होंगे या इस कर्स में हम कैलकुलस डिफ्रेंशन या इंटीग्रेशन डिस्कस कर रहे होंगे तो वो भी हम कर रहे होंगे लेकिन हमारा जो मेन फोकस होगा वो ये कि जब कोई भी उस्ताद चाहे वो मैथमेटिक्स का उस्ताद हो चाहे वो केमिस्ट्री का उस्ताद हो चाहे वो फिज़िक्स का उस्ताद हो वो न्यूटन्स के लॉज पढ़ा रहा हो वो क्वान्टम मकैनिक्स पढ़ा रहा हो जब वो क्लास रूम में दाखिल होता है तो इन तमाम चीज़ों को जो आज वो पढ़ाना चाहता है उनको पढ़ाने में उसको क्या मसाइल दरपेश आते हैं अगर वो न्यूटन्स के लॉज पढ़ाना चाह रहा है तो न्यूटन्स के लॉज पढ़ाने में उसको क्या मसाइल दरपेश आते हैं अगर वो पीरियोडिक टेबल पढ़ाना चाह रहा है तो उसको पीरियोडिक टेबल पढ़ाने में क्या मसाइल दरपेश आते हैं अगर वो रिलेशंस और फंक्शन पढ़ाना चाह रहा है डिस्प्यूट मैथेमेटिक्स के अंदर या तो, कोई और टॉपिक पढ़ाना चाह रहा है तो उसको आखिर वो मसाइल और शायद आपको ये सुन के हैरानी हो कि मैं उन मसाइल का जिक्र नहीं कर रहा कि स्टूडेंट्स पढ़ना नहीं चाहते या टीचर का आज मूड नहीं है पढ़ाने का या स्टूडेंट्स के पास इतनी इंटेलिजेंस नहीं है हम हम उसकी बात नहीं कर रहे हम एक और लेवल पे प्रॉब्लम्स ऑफ लर्निंग एड्रेसिंग प्रॉब्लम्स ऑफ लर्निंग की बात कर रहे हैं हम या फिर किस लेवल पर बात कर रहे हैं देखें हम अस यूम अगर कर लें कि स्टूडेंट्स भी पढ़ना चाहते हैं वो मेहनती भी हैं उस्ताद भी पढ़ाना चाह रहे हैं लेकिन फिर भी दोनों पूरी कोशिश कर रहे हैं लेकिन फिर भी टॉपिक के अंदर एक ऐसी कोई कॉम्प्लेक्सिटी है जिससे दुश्वारियां आ रही हैं अब ये मैथमेटिक्स के हों चाहे फिज़िक्स के टॉपिक पहली दफ़ा इनको डिस्कवर करने के लिए एक जीनियस और चंद हज़ार साल लगे थे तो इनके अंदर कॉम्प्लीकेशनस हैं और हम प्रॉब्लम्स ऑफ लर्निंग उन कॉम्प्लीकेशन्स उन उन सोच की उन मुश्किलात के बारे में हम बात करना चाह रहे हैं जो जिसकी वजह से इन इन टॉपिक्स को डिस्कवर करना इतना मुश्किल था आ, आ, ऐसे तो लगता है ना कि हम आ, जो चीज़ न्यूटन ने मेहनत के बाद समझी थी वो हम 18-15 साल के बच्चे को 16 साल के बच्चे को क्लासरूम में कोई पढ़ा देगा लेकिन इसके अंदर एक गहराई छुपी हुई होती है जो कि काफ़ी मुश्किल होती है टीचर के लिए कम्यूनिकेट करनी और स्टूडेंट के लिए अंडरस्टैंड करनी तो य, ये जो चीज़ें हैं यहाँ पे हम प्रॉब्लम ऑफ लर्निंग की बात करते हैं तो नाजिन फिर इसका मतलब ये हुआ कि एक टीचर को समझाने में पढ़ाने में क्या मसाइल दरपेश आते हैं ये बड़ा ज़रूरी है कि उन मसाइल की तरफ पहले हम निशानदेही करें हमारे पास ऐसे टूल्स और टेक्निक्स होने चाहिए जिसके ज़रिए हम ये कह सकें कि ये टॉपिक पढ़ाना मुश्किल है और सिर्फ मुश्किल ही नहीं है ये क्यों मुश्किल है इसमें कहां मुश्किल पेश आती है और जब हम यह कहते हैं कि यह मुश्किल है तो इसका क्या मतलब है यानी क्या वो बच्चे समझने की कोशिश ऐसी बात नहीं है कि वह समझने की कोशिश नहीं कर रहे वो समझने की कोशिश कर रहे हैं एक टॉपिक उनको समझाना बहुत आसान है एक टॉपिक उनको समझाना कदरे मुश्किल है वो क्यों मुश्किल है यह इसका मतलब क्या है कि वो मुश्किल है मेरा ख्याल है इस बात को समझने के लिए हमें थोड़ा बहुत साइकोलॉजी की तरफ आना पड़ेगा आ, कहना कि किसी को कोई चीज़ किसी ने कोई चीज़ सीख ली है उसके आ, दिमाग के फ़र्क फ़र्क हिस्से इसमें इस्तेमाल होते हैं मसलन अगर मुझे कोई चीज़ पाँच दफ़ा पढ़ाई जाए तो मैं आपको वो लफ्ज़ वापस बोल सकता हूँ जो मैंने पाँच दफ़ा सुन लिया लेकिन इसमें ज़रूरी नहीं कि मैं उन अल्फाज के मानी तक पहुँचाऊँ फिर एक और लेवल ये हो सकता है तो ये मतलब जिसे हम रट्टा मारना कहते हैं ये वहाँ तक महदूद हो सकती है फिर एक और लेवल होता है जिसमें मुझे कुछ कुछ समझ आ रहा है कि ये जो लफ्स मैं कह रहा हूँ इनके क्या हैं और वो मैं इस तरह दिखा सकता हूँ कि अगर जो मुझे समझाया गया है उसके दुनिया में मुझे कोई एग्जाम्पल्स दिखाई जाएं तो कम से कम मैं पहचान लूँगा कि हाँ ये जो वो आपने बात कही थी यहाँ इसका शायद इस जो आप मुझे दिखा रहे हैं इसका शायद कुछ ताल्लुक ये सेकेंड लेवल हो गया कि बस पहचान सकता हूँ हल्का सा तीसरा लेवल हो गया कि इंसानी दिमाग में जो लॉजिक सिस्टम है जो मीनिंग सिस्टम है वो पूरी तरह इंगेज हो चुका है और अब मैं ना सिर्फ आपको वो लफ्ज़ दोहरा सकता हूँ बल्कि अपने लफ्ज़ों में किसी और तरह से बयान कर सकता हूँ दुनिया में मैं अगर उसका कोई एग्ज़ाम्पल हो तो मैं पहचान सकता हूँ उसको एक्सप्लन कर सकता हूँ उसको मिनिप्यट कंट्रोल कर सकता हूँ मैं उस जो आपने मुझे नॉलेज दिए उससे उसको आगे भी बढ़ा सकता हूँ डिस्कवर भी कर सकता हूँ उससे कोई फर्दर नॉलेज तो ये एक तरफ से हम शुरू होते हैं बिल्कुल रट्टा, फिर दूसरा होता है कि जहाँ पे दरमियाना है कुछ कुछ दिमाग के और हिस्से भी इंगेज हो गए और तीसरा वो है कि आपकी जो रीज़निंग पावर है फुल रीज़निंग एबिलिटी उसके सब सब सिस्टम्स जो हैं दिमाग के वो सब पूरी तरह इंगेज हो गए तो ये दिस इज़ फुल लर्निंग और हम एक्चुअली ये तीसरी वाली चीज़ की बात कर रहे हैं जब हम लर्निंग कहते हैं तो यासिद ये जो आपने तीन मुख्तलिफ स्टेजेस बताईं कि जिसमें थोड़ी बहुत लर्निंग हुई है और एक इंटरमीडिएट स्टेज लर्निंग की बताई और एक आपने बताया कि हाँ अब हम कह सकते हैं कि इसको मीनिंगफुल लर्निंग भी कह सकते हैं या आमतौर पर टर्मिनोलॉजी में मीनिंगफुल लर्निंग कहा जाता है या इंटेलिजेंस लर्निंग कहा जाता है तो अब इसका मतलब ये हुआ नाजरीन कि एक टीचर के लिए एक उस्ताद के लिए एक इंस्ट्रक्टर के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि जब वो आज का लेक्चर डिलीवर कर रहा हो तो उसको आज के लेक्चर डिलीवर करने के आखिर में ये मालूम हो सके किसी तरीके से कि आज ज़्यादातर स्टूडेंट्स को मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स को उनका लर्निंग का क्या लेवल रहा है अब अगर उसको ये चीज़ें मालूम नहीं होंगी और अगर बदकिस्मती से 70% ऑफ़ द क्लास का ये हालत हो कि वो पहली स्टेज के ऊपर ही हों और उसका अगला लेक्चर इस चीज़ पे डिपेंड करता हो कि वो आज के लेक्चर की जो नॉलेज है उसको समझने की कोशिश करें तो फिर अगले लेक्चर में उसके लिए पढ़ाना और ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा इसको हम प्रायर नॉलेज कहते हैं कि हमें कुछ नॉलेज चाहिए अगले स्टेप पर जाने के लिए कुछ और कॉन्सेप्ट बिल्डअप करने के लिए तो नाजरीन ये बहुत ज़रूरी है कि एक उस्ताद को ये किसी तरीके से पता चल सके कि आज के लेक्चर में या पुराने लेक्चर में जो कुछ उसने पढ़ाया था उसमें कितने लोगों को समझ आई थी कितना समझ आया था उनको आ, उनका लेवल क्या था और कितने लोग जो थे वो उसको समझ नहीं सके थे अब नाज़रीन इस वक्त हम दो बातों की हमने आपके सामने दो बातें हमने रखी हैं हमने पेरीडिक टेबल का जिक्र किया कि वो क्या होता है ये आप समझाना चाहते हैं ये एक इंस्ट्रक्टर समझाना चाहता है हमने न्यूटन्स के लॉज का जिक्र किया कि न्यूटन्स के लॉज क्या होते हैं उनको समझना उनको समझाना ज़रूरी है हमने कैलकुलस में डिफ़्रेंशिएशन इंटीग्रेशन का जिक्र किया इसको हम कॉन्टेंट नॉलेज कहते हैं जैसा कि अभी आपने कहा था वो टीचर जब क्लास में जाता है तो वो ये सोचता है कि मैं न्यूटन्स के लॉज को किस तरह से पढ़ाने की कोशिश करूँ कि हम स्टूडेंट्स को समझ आ जाए वो ये सोचता है कि मैं पीरियोडिक टेबल को समझाने के लिए मैं उनको डिस्कवर करवाने के लिए मैं कहाँ से शुरू करूँ मैं क्या एटॉमिक नंबर से शुरू करूँ क्या मैं एटॉमिक स्ट्रक्चर से शुरू करूँ कि वो खुद से सोचना शुरू कर दें कि पीरियोडिक टेबल जैसे अगर उनको एक प्रॉब्लम दिया जाए उनको पीरियोडिक टेबल का नाम ना बताया जाए तो वो खुद से एटॉमिक नंबर्स के हवाले से एटॉमिक स्ट्रक्चर के नॉलेज के हवाले से जो उनकी प्रायर नॉलेज है वो खुद से एक पीरियोडिक टेबल कंस्ट्रक्ट करना शुरू कर दे। तो नाजिन ये दूसरी बात जो थी कि वो पढ़ाना चाहता है वो सोचता है कि मैं कैसे पढ़ाने की कोशिश करूं, मैं कैसे समझाने की कोशिश करूं, इसको फिर हम पैडागोजी कहते हैं या फिर आप कुछ कहेंगे इसके बारे में जी इस पैडागोजी का ये आपके पास एक कॉन्टेंट है और उसको आपने कंटेंट के बहुत से पहलू होते हैं बहुत से तरीके होते हैं उसको देखने के और उन सब का वेल well राउंडेड तरीका कि वो सब कुछ वो सब देखने के तरीके वो सब सोचने के तरीके स्टूडेंट्स में पहुंच जाएं इसके लिए जो आप टेक्निक्स इस्तेमाल करते हैं उसको हम पेडागोजी कहते हैं और या सिर्फ पेडागोजी में फिर ये चीज़ें भी साथ शामिल हो जाएंगी कि वो टीचर ये जज करने की कोशिश करे कि उन्होंने कितना अच्छा इसे समझने की कोशिश की है मेरे ख्याल में ये भी एक तरफ, ए, एक तरफ ये शामिल होगी जिसको आप असमेंट कहें जी कि हम पता चल जाए कि वो कहाँ पे हैं दूसरी तरफ इसके अगर शुरू की शुरू की तरफ देखा जाए तो इसमें कॉन्टेक्स्ट भी शामिल होगा कि क्लासरूम का मकसद आप क्या समझते हैं जो आप पढ़ाना चाह रहे हैं आ, वो उसका मकसद क्या है तो मसला मैं अगर मैथमेटिक्स इंजीनियर्स को पढ़ा रहा हूँ या मैथ मैथमेटिक्स में इकॉनमिक्स को पढ़ा रहा हूँ तो ये दोनों अप्लाइड मैथमेटिक्स के एरियाज हैं और प्योर मैथमेटिक्स अगर मैं शायद पढ़ा रहा हूँ तो मैं थोड़ा सा शायद तब्दील करके एक्सप्लेन करूँ तो ये भी कॉन्टेक्ट ये कॉन्टेक्स्ट के मकसद क्या है ये भी पैडागोजी में आता है असेसमेंट भी पैडागोजी में आती है स्टूडेंट को पहले क्या पता है ये भी पैडागोजी में आता है क्लासरूम किस तरह का है करिकुलम डिज़ाइन किस तरह का है किस किस्म की यूनिवर्सिटी में ये सब चीज़ें पैडागोजी को इन्फॉर्म करती हैं तो नाजरीन अब तक हमने कॉन्टेंट की बात की पैडगोजी की बात की तो आ, अब आप देखें एड्रेसिंग प्रॉब्लम्स ऑफ लर्निंग थ्रू पेडागोजी और इसमें जो तीसरी बात अब हम करना चाह रहे हैं वो टेक्नोलॉजी की बात है कि हम क्या टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर रहे हैं इन ऑर्डर टू एड्रेस प्रॉब्लम्स ऑफ लर्निंग टेक्नोलॉजी को मैं रिप्रेजेंट करने की कोशिश करूंगा पेडोगोजी को या एड्रेस करने की कोशिश करेंगे लेकिन हम आपको ये बता दें कि इन चीज़ों को हम कंपार्टमेंटलाइज नहीं कर सकते एक इंस्ट्रक्टर अगर ये कहे कि आ, उसको कोई टेक्नोलॉजी का बंदा आके ये बताए कि क्या टेक्नोलॉजी होनी चाहिए और पैडागोजी का बंदा आके ये बताए कि क्या पैडागोजी होनी चाहिए फिर वो एक पैडागोजी और कंटेंट नॉलेज जनरेट करेगा वो बात नहीं बनेगी आपको पैडागोजी का कुछ ना कुछ मालूम होना चाहिए आ, और ये मालूम करना या इस ये इल्म हासिल करना पैडागॉजी का जिसको आपने इस्तेमाल करना है इन ऑर्डर टू एड्रेस प्रॉब्लम्स ऑफ़ लर्निंग ये कोई इतना मुश्किल काम नहीं है ये आपके पढ़ाने के जो आपकी ज़िम्मेदारी है जो आपका जॉब है उसमें ये शामिल है इसी तरह से टेक्नोलॉजी जिस तरीके से तरक्की कर रही है जिस तरीके से आगे जा रही है उसके बारे में मालूम रखना इस तरह की मालूम रखना कि आप उसको इस्तेमाल कर सकें क्लास के अंदर ये भी ऐसा काम नहीं है जो आप एक टेक्नोलॉजी के बंदे के ऊपर छोड़ दें और आप ये सोचें कि ये मेरे डोमेन से बाहर है आपको टेक्नोलॉजी का भी कुछ मालूम होना पड़ेगा आपको पेडागोजी का भी कुछ मालूम होना पड़ेगा फिर आप जाके प्रॉब्लम्स ऑफ लर्निंग जो क्लासरूम में आते हैं उनको एड्रेस कर सकेंगे तो नाजरीन अब आप ज़रा ये देखें कि पढ़ाने में पढ़ाने का मतलब इंग्लिश में हम लेक्चरिंग कहते हैं पढ़ाने में और समझाने में फ़र्क होता है आ, इस फ़र्क को क्या आप समझते हैं जब आप पढ़ा रहे होते हैं जब आप लेक्चर दे रहे होते हैं या जब आप किसी को समझा रहे होते हैं उसमें क्या फ़र्क है जब आप मिलके कोई चीज़ समझने की कोशिश कर रहे होते हैं स्टूडेंट्स के साथ मिलकर आप एक प्रॉब्लम उनको पोस्ट करते हैं कि देखिए ये एक मसला है हम इस पर मिल बैठकर सोचते हैं और देखते हैं हम इसको किस तरह से हल करने की कोशिश करते हैं ये मिलकर समझने का एक तरीका है ये मिलकर डिस्कवर करने का एक तरीका है तो ये सारे ये सारे तरीके जो हैं एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के आप लेक्चर भी दे सकते थे आप आ, समझा भी सकते थे ये दूसरी स्टेज हो जाती है आप मिलकर भी समझ सकते थे और आप उनसे डिस्कवर भी कर, करवा सकते थे अब आप पे ये डिपेंड करेगा कि आप अपने लेक्चर के अंदर जब आप अपना लेक्चर तैयार करेंगे हम इस कोर्स में ये बड़ी डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे तो आप कौन सी टेक्निक के ऊपर पैदागॉजिकल टेक्निक बहुत सारी जो हम पढ़ेंगे इस कोर्स के अंदर उसमें कौन सी टेक्निक को ज़्यादा अपनाने की कोशिश करेंगे और मुख्तलिफ़ हालात में मुख्तलिफ़ कॉन्टेंट में कौन सी पैदागॉजिकल टेक्निक को इस्तेमाल करने की कोशिश करेंगे कौन सी टेक्नोलॉजी को आप इस्तेमाल करने की कोशिश करेंगे तो ये आ, सिलेक्ट करना कि मैं ये वाला टॉपिक आज पढ़ाना चाह रहा हूँ इस टॉपिक में पहले से मैंने निशानदही की हुई है ये प्रॉब्लम ऑफ लर्निंग आएंगे इन प्रॉब्लम्स ऑफ लर्निंग को एड्रेस करने के लिए मैं पैडोलॉजी के मुख्तलि तरीके मेरे पास अवेलेबल हैं टूल्स मेरे पास अवेलेबल हैं उनमें से ये टूल्स मैं आज इस्तेमाल करूंगा टेक्नोलॉजी की मेरे पास एक पूरा शुमार मौजूद है उसमें से मैं और हम हाई टेक्नोलॉजी की बात नहीं कर रहे हैं हम उस टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं जो इस वक्त आपके पास अवेलेबल है जो आप बग़ैर पैसे खर्च किए हुए इस्तेमाल कर सकते हैं और आपको याद शायद ये सुन के हैरानी होगी कि वो बड़ी पावरफुल टेक्नोलॉजी है जिसको हम अभी इस्तेमाल नहीं कर रहे तो उनको इस्तेमाल करते हुए हम कैसे आगे जा सकते हैं या फिर आप कुछ कहेंगे इसके बारे में मेरा ख़्याल है कि ये जो आपने बैलेंस की बात की कि टीचर के पास कॉन्टेंट पेडागोजी और टेक्नोलॉजी का बैलेंस होना चाहिए और मख्तलफ़ की टूल्स होने चाहिए ताकि वो कंटेंट के बारे में सोच के इस्तेमाल करें कि अच्छा ये टूल इस्तेमाल करें तो क्या होता है ये वाला इस्तेमाल करें तो क्या होता है और इस तरह टीचर के एक्सपीरियंस गेन करने में आ, बहुत फ़ायदा रहेगा मसला बुनियादी चीज़ से अगर हम शुरू करें कि जी मैं कुछ पढ़ा रहा हूँ मेरे पास कोई स्किल टीचिंग स्किल पेडोलॉजिकल टेक्नोलॉजिकल स्किल नहीं है और स्टूडेंट मुझे कहते हैं कि जी ये आपने जो बात की हमें समझ नहीं आई अव्वल तो ये बहुत ज़रूरी है कि स्टूडेंट्स को ये आ, एतमाद हो कि वो मुझे कह सकें क्लास रूम में लेकिन बुनियादी चीज़ अच्छा वो मुझे कहते हैं अब अगर मैं मेरे पास कोई टूल्स नहीं है तो मैं क्या कर सकता हूँ मैं ये कर सकता हूँ कि जो मैंने कहा है वो मैं फिर से कहूँ या मैं वो आहिस्ता आहिस्ता कहूँ उसके बाद फिर मैं फंस जाता हूँ उसके बाद मेरे पास तीसरी कोई चीज़ नहीं है जो मैं कर सकता हूँ तो इस पूरे कोर्स का मकसद ये है कि ऐसा मौका है जब आपको पता चल जाए ये भी बहुत ज़रूरी है कि आपको वक्त पे पता चल जाए कि स्टूडेंट्स को ये समझ नहीं आई अभी जो मैंने बात की है उस वक्त फिर आपके पास पाँच दस पंद्रह किस्म की चीज़ें हों जो आप एक इस्तेमाल इस कर लें वो ना चले तो दूसरी इस्तेमाल करें तो वो ना चले तीसरी इस्तेमाल कर लें ले। ये टूल किट जो है ये डेवलप करना इस कोर्स का हमारा और उसके बाद फिर आप ये रिकॉर्ड रखें कि मैंने अपने कोर्स में फल टूल इस्तेमाल किए थे वो बड़े इफेक्टिव थे देखिए नाजरीन एक बात हम आपको बता दें कि हम हम आपको कोई ऐसा जादू का तरीका नहीं बता सकते जिसके ज़रिए आप छड़ी हिलाएं और वो तमाम स्टूडेंट्स को कुछ समझ आना शुरू हो जाए आपको एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा आपको इसमें कभी कामयाबी होगी कभी इसमें आपको नाकामी होगी ये एक लर्निंग का प्रोसेस है ये एक ऐसा प्रोसेस है जो कभी ना ख़त्म होने वाला है पेटागोजी पेटागोजी के मुख्तफ़ टूल्स और टेक्निक्स आते रहेंगे टेक्नोलॉजी जो है वो अपनी शक्लें बदलती रहेगी इन तमाम हालात में रहते हुए आपने ये डिसाइड करना है कि आज मैं ये कुछ करना चाहता हूँ लेकिन खुले दिमाग से आपने साथ ये सोचना है कि यह भी मैं मैं करने की कोशिश करूँ कि आज के टूल्स जो मैंने इस्तेमाल किए वो कितने इफ़ेक्टिव थे आ, कल वो टूल्स चेंज हो जाएंगे आज के प्रॉब्लम जो मैं एड्रेस नहीं कर सका उनको मैं नए टूल्स से कैसे एड्रेस करूँगा तो ये एक ऐसा प्रोसेस है जो चलता रहेगा ये वो ज़माना अब गुज़र गया कि एक उस्ताद आया करता था उसके येलो नोट्स हुआ करते थे और वो येलो नोट्स पढ़ के क्लास में बता दिया करता था अब वो येलो नोट्स भी नहीं हैं अब आपके पास नई टेक्नोलॉजी है आपके पास नए पैडागोजिकल टेक्निक्स हैं टूल्स हैं उनको इस्तेमाल करते हुए आपने अपने लेक्चर को स्टूडेंट्स को डिलीवर करना है उनको समझाना है अच्छा इसमें एक बात का अब मैं ख़ास तौर पे आपसे ज़िक्र करना चाहूँगा हमने कंटेंट की बात की हमने पैडागॉजिक की बात की हमने पैडागॉजिकल टूल्स की बात की हमने टेक्नोलॉजी की बात की और टेक्नोलॉजिकल टूल्स की बात की जो हमारे पास एक वैरायटी है जो हम इस्तेमाल कर सकते हैं किसी एक टॉपिक को पढ़ाने के लिए न्यूटन का लॉ हो सकता है पीरियोडिक टेबल हो सकता है कैलकुलस में डिफ्रेंशिएशन इंटीग्रेशन हो सकती हैं जोग्राफ़ी में कोई टॉपिक हो सकता है हमने एक बात नहीं की और वो ये कि जिन स्टूडेंट्स को हम पढ़ाना चाह रहे हैं अब आप ज़रा सोचें कि उन वो स्टूडेंट्स जो हैं वो उनके उनके जहन हैं उनके इंटेलिजेंट माइंड्स हैं आ हम जो बात भी करेंगे हम जो सवाल पूछेंगे उनसे या हम उनसे उनको कुछ बताएंगे तो उनके जहन में क्या तस्वीर बनेगी वो तस्वीर क्या आप जानते हैं कि वो तस्वीर किस तरह की बनेगी अगर आप 10 मिनट तक बोलते हैं तो मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स के दिमाग के अंदर जहन के अंदर क्या तलातुम परपा होगा उसकी वजह से क्या एक कनेक्शनस पैदा होंगे क्या कॉन्सेप्ट्स नए जनरेट होंगे तो नाज्रीन इस कोर्स को आप कुछ इस तरह से देखने की कोशिश करें कि ये डिज़ाइन कोर्स है इस डिज़ाइन कोर्स के अंदर आप कुछ डिज़ाइन करना चाह रहे हैं आप क्या डिज़ाइन करना चाह रहे हैं आप टेक्नोलॉजिक टेक्नोलॉजिकल पैडागोजिकल कंटेंट डिज़ाइन करना चाह रहे हैं और आप टारगेट करना चाह रहे हैं यंग लोगों के माइंडस को कि अगर आप ये चीज़ उनके जहनों में इनपुट करेंगे तो उनके जहन किस तरह से रिएक्ट करेंगे तो अब आप इस, इस सारे प्रोसेस को आप इस तरह से देखें कि आप एक नई चीज़ क्रिएट कर रहे हैं आप एक बहुत ही आ, अनोखा काम करने की कोशिश कर रहे हैं आपके पास पैटागोजी है आपके पास टेक्नोलॉजी है आपके पास कंटेंट्स हैं आप लोगों के जहनों से खेलने की कोशिश कर रहे हैं आप ये सोचने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर मैं उनसे ये बात करूंगा, तो वह फिर ये सोचना शुरू करेंगे अगर मैं ये बात पहले कहूंगा और ये बात बाद में कहूँगा तो वो इस तरह से सोचेंगे अगर मेरा ऑर्डरिंग ऑफ बात करने का जो ऑर्डर है जो तरतीब है वो बदल जाएगी तो वो इस तरह से सोचेंगे अगर हम ये सवाल मैं उनसे पूछूंगा तो उनके जहन के फ़लाँ खाने जो हैं या फलां जगहें जो हैं वो मुनवर हो जाएंगी तो कुछ इस किस्म का ये कोर्स बनता है मैं आपको डराने की कोशिश नहीं कर रहा मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि आप एक बड़ी एक्साइटिंग एक्टिविटी में आ, अपने आप को महसूस करें फिर आप देखेंगे कि आप इस एक्टिविटी में कितना इन्जॉय करते हैं या फिर आप इसके बारे में कुछ कहेंगे बिल्कुल आपने डिज़ाइन का लफ्ज़ इस्तेमाल किया और मेरा बिल्कुल यही ख्याल है कि हम डिज़ाइन ही कर रहे हैं यहाँ पे हम डिज़ाइन एक प्रोडक्ट होती है मसलन अगर टेक्नोलॉजी में तो टेक्नोलॉजी प्योर टेक्नोलॉजी एक माइक्रो प्रोसेसर है लेकिन इलेक्ट्रिकल इंजीनियर ना हो आप तो आप उसके साथ कुछ नहीं कर सकते उसको अगर पर्सनल कंप्यूटर बना दिया जाए जिसमें पाँच पाँच छः चीज़ें और ऐड कर देती थी तो वो हर एक हर घर में लोग इस्तेमाल करते हैं इसी तरह हम भी एजुकेशन प्रोडक्ट्स डिज़ाइन करने के बारे में सोच रहे हैं कि हमने अगर केमिस्ट्री पढ़ानी है तो हम उसमें क्या ऐड करें चीज़ें टेक्नोलॉजी के थ्रू पैडागोजी के थ्रू कि वो हर एक अपना ले एग्जैक्टली exactly वही चीज़ हम करने की कोशिश कर रहे हैं तो नाजिन जैसे इस वक्त ये कोर्स आपके सामने जा रहा है ये कुछ टेक्नोलॉजी के थ्रू जा रहा है तो आ, उस टेक्नोलॉजी को भी हम उसका भी जिक्र हम करेंगे डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे कि ये टेक्नोलॉजी कितनी आउटडेटेड हो गई है जिसको हम इस इस्तेमाल कर रहे हैं और इससे ज़्यादा एडवांस टेक्नोलॉजीज विदाउट स्पेंडिंग अ सिंगल पेनी हम क्या इस्तेमाल कर सकते हैं तो बुनियादी तौर पे नाज्रीन एक बड़ा बुनियादी सवाल जो हम एड्रेस करेंगे वो ये कि स्टूडेंट्स हाउ स्टूडेंट्स लर्न एंड मोर इम्पोर्टेंटली व्हाई दे टाइम्स डू नाट लर्न ये एक बुनियादी सवाल है जिसका जवाब आ, पैडागोजी से आता है साइकोलॉजी ऑफ लर्निंग से आता है और इस सवाल का जवाब आपको भी आ, हासिल करने की कोशिश करनी चाहिए और इसके बारे में सोचना चाहिए इसलिए कि ये सारा कोर्स ही इस चीज़ के बारे में है एड्रेसिंग प्रॉब्लम्स ऑफ लर्निंग थ्रू पैडागोजी एंड टेक्नोलॉजी तो नाजरीन हम जरा थोड़ा सा हिस्ट्री में अगर पीछे चले जाएं और कई सौ साल आ, जा के पीछे देखें उस वक्त जब के मॉडर्न स्कूल्स और कॉलेज नहीं बने थे और एक स्कूल का कॉन्सेप्ट या कॉलेज का कॉन्सेप्ट यह हुआ करता था कि एक कमरा है उसमें एक इंस्ट्रक्टर है और वो इंस्ट्रक्टर बहुत सारे स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा है वो स्टूडेंट्स मुख्तलिफ़ एजेस के हैं कुछ जोग्राफ़ी पढ़ रहे हैं कुछ कोई और सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं उस ज़माने में तो कॉन्टेंट भी बहुत लिमिटेड हुआ करता था तो उस जो सिंगल रूम क्लासरूम या कॉलेज या यूनिवर्सिटी का जो कॉन्सेप्ट था उसमें जो उसके पावरफुल फीचर्स थे जो उसके फ़ायदे थे जो उसके नुकसान थे आ, हम किस तरह से सफ़र करते करते एक मॉडर्न क्लासरूम की तरफ़ आए मॉडर्न मैं उस क्लासरूम को कहूँगा जो आजकल है और जिसमें आपको मालूम है कि एक क्लास के अंदर एक इंस्ट्रक्टर एक तरह के बच्चों को एक तरह की एज के बच्चों को एक ही सब्जेक्ट एक वक्त में पढ़ा रहा होता है इसके क्या फ़ायदे और नुकसान हैं इसके अगर हम कंपेयर करें सिंगल रूम क्लासरूम के हवाले से ये स्कूल और कॉलेज और यूनिवर्सिटी ने इवोल्व किया है तो इस एवोल्यूशन में क्या हमें नुकसान हुए हैं क्या हमें फ़ायदे हासिल हुए हैं और आ, फ्यूचर का क्लासरूम किस तरह का होगा असल बात हम ये करना चाहेंगे फ्यूचर का मतलब ये नहीं कि 50 साल के बाद हम आज से एक साल के बाद की भी बात करना की कोशिश करेंगे ये डिपेंड करता है कि आप कितने जल्दी अपने आप को तैयार कर लेते हैं पैडागोजी के तरीकों को इस्तेमाल करने के लिए टूल्स को इस्तेमाल करने के लिए टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करने के लिए और आप ये भी कोशिश कर सकते हैं कि अगले सेमेस्टर से या अगले आ, साल से जो सेप्टेम्बर में शुरू हो जाएगा या वर से आप ये सारी चीज़ें इस्तेमाल करना शुरू कर दें जैसे ये कोर्स नशर होगा तो या सिर हमें ज़रा कुछ ये बताइए कि वो जो कई सौ साल पुराना कॉलेज या इस्कूल होता था जिसमें सिर्फ एक ही कमरा होता था मुझे याद है माल रोड पर भी किसी ज़माने में एक उस्ताद ने क्लास लगानी शुरू की थी जिसमें बहुत सारे बच्चे आ, सड़क पर बैठ जाया करते थे और वो उनको समझाने की कोशिश कर रहा होता था याद रखें वो लेक्चर नहीं दे रहा होता था तो ज़रा थोड़ा सा इसके बारे में बताएं और साथ ही फिर बाद में हम ये भी जिक्र करेंगे कि ये सिर्फ क्लासरूम छोटे बच्चों के लेवल पे नहीं होता था ये बड़े बच्चों के लेवल पे भी होता था उस ज़माने में और सोक्रेटिक डायलॉग्स में भी यही चीज़ इस्तेमाल की जाती थी जिसमें वो बड़े थिंकर्स और फिलासफर्स जो थे वो अपने डिसाइपल्स को बैठ ले बैठते थे, थे और उनसे कुछ बातचीत करते थे उसको वो पढ़ाना तो नहीं कहते थे वो उनसे कुछ सवाल करते थे या उनसे कुछ सवाल किए जाते थे और इस सवाल और जवाब के प्रोसेस के अंदर नई नॉलेज क्रिएट होती थी तो आप या सिर हमें डिटेल से ये बताएं कि वो जो एक सिंगल रूम क्लासरूम था कई सौ साल पुराने ज़माने की हम बात कर रहे हैं मदरसे में भी आमतौर पर ऐसे ही होता था जी देखें ये फर्क फ़र्क जगह पे आ, हिस्ट्री में आप जाएँ तो फ़र्क टाइम में बहुत तब्दीलियाँ आई हैं डिफरेंट कल्चर सोसाइटीज़ में तो काफ़ी फरक फर्क तरीक़ों से काम होता था लेकिन अगर हम वेरिएबल्स के बेसिस पे सोचें तो दो तीन चीज़ें मोटी मोटी सामने आती हैं एक तो ये कि क्योंकि अमूमन डायलॉग हो रहा होता था लोग स्टूडेंट टू टीचर रेशो काफ़ी छोटी होती थी तो उस्ताद को जब कॉन्वर्सेशन में हिस्सा लें तो इमीडिएट फीडबैक होता है कि अगला क्या सोच रहा है आपकी क्या बात उसे समझ आई है आपकी कौन सी बात समझ नहीं आई तो रियल टाइम में आपको फीडबैक मिल जाती है तो, तो ये। आप ये कहना चाह रहे हैं कि उसमें लेक्चरिंग ज्यादा नहीं होती थी कन्वर्सेशन होती थी उसमें कन्वर्सेशन होती थी और, मतलब और... ये कि अगर टीचर कुछ बोल रहा होता था तो स्टूडेंट भी जवाब दे रहा होता था और ऐसा नहीं होता था कि टीचर जो है वो बोलता रहे इसलिए कि उसने बहुत सारे बच्चों को एक वक्त में लोगों को जी बताइए प्लीज एक तो ये है इमीडिएट फीडबैक दूसरा वेरिएबल जो मेरे ख़्याल में, में काफ़ी इम्पोर्टेंट है वो ये है कि मैं जब किसी स्टूडेंट को पढ़ा रहा होता था तो आ, या टीचर एक किसी को स्टूडेंट पढ़ाता था तो वो उस टी उसको उस स्टूडेंट के हिसाब से पढ़ाता था कि इसे ये पता है इसलिए से अब यहाँ से आगे चला जाए ये नहीं कि उन्हें लेक्चर दे दिया और कुछ कितने पीछे रह गए कितने समझ गए वो एक क्योंकि पर्सनली करिकुलम आप पर्सनली किसी को टेलर करते थे तो इसलिए आप उस हिसाब से उसकी स्पीड पे चलते थे कितना समझ आया उस हिसाब से आगे चले साथ साथ आप ये भी करते थे कि आप स्टूडेंट uh, के इंटरेस्ट को ले लेते थे कि भाई इसको ये चीज़ ज़्यादा पसंद है ये चीज़ कम पसंद है तो चलें अब हम थोड़ा सा जोग्राफिया पढ़ लेते हैं मैथमेटिक्स को एक घंटा हो गया मैथमेटिक्स ये तंग आ गया जोग्राफिया पे शिफ्ट हो जाते हैं जो उसे ज़्यादा पसंद है तो एक तो ये होती थी इंडिविजुअल टेलरिंग होती थी रेट ऑफ टीचिंग वॉज कीटर्ड टू द इंडिविजुअल टेक्नोलॉजी uh, बहुत लिमिटेड है uh, अगर हिस्ट्री में देखा जाए तो बुनियादी टेक्नोलॉजी जो हैं एक तो लिखाई द एबिलिटी टू राइट वो एक बहुत फंडामेंटल टेक्नोलॉजी है उसके बाद जब हम किसी किस्म की पब्लिक एजुकेशन पे आते हैं uh, सतारवीं सदी में या ज़रा एक तो जगह ज़रा उससे पहले तो एक और बड़ी इम्पॉर्टेंट टेक्नोलॉजी इन्वेंट होती है जो कि है एडमिशन टेस्ट जिसको हम आजकल एस कह सकते हैं या एडमिशन टेस्ट कह सकते हैं आई टेस्ट भी वहीं से शुरू हुए कि जब बहुत से लोगों को आपने पढ़ाना है आप एक इंडिविजुअल को नहीं पढ़ा रहे तो आप उनको एक छाननी लगा देते हैं कि ये सब इसके पार जो निकल आए उनको हम पढ़ाएंगे बाकियों को नहीं पढ़ाएंगे या फ़र्क क्लासरूम में पढ़ाएंगे तो वो एक आई थिंक एक टूल है जिससे बहुत बड़ा इम्पैक्ट हुआ है आई क्यू टेस्ट द स्टैंडर्डाइज टेस्ट क्योंकि स्टैंडर्डाइज टेस्ट के बाद फिर स्टैंडर्डाइज क्लासरूम अभी शुरू हुआ तो ये हिस्टोरिकली ये टेक्नोलॉजीज हैं मेरे ख्याल में अब आ, वी आर एट थर्ड स्टेज जब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो है उससे भी उतना ही तब्दीली आएगी क्लासरूम में जितनी वो वन पर्सन वन पर्सन करिकुलम क्वेश्चन आंसर क्लासरूम से तब्दील होकर जब हम मॉडर्न क्लासरूम यानी कि वन टीचर मेनी स्टूडेंट्स टीचर अपने रेट पे अपनी मर्जी से पढ़ा रहा है वो जितनी बड़ी तब्दीली थी उतनी ही बड़ी तब्दीली अब हम फिर हाँ लेकिन यासर मैं ज़रा अभी पुराने क्लासरूम पे जाना चाह रहा हूँ आपने दो बड़ी अहम बातें की हैं उसके बारे में एक तो आपने ये कहा कि एक उस्ताद एक क्लास में बैठ के पढ़ा रहा है बच्चों को बल्कि आपने पढ़ाने का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं किया वो उनसे कन्वर्सेशन कर रहा है तो उसमें आपने जो दो ख़ास बातें की और नाजरीन मैं चाहूँगा कि आप इस पर तोजो दें यासिर ने एक बात तो ये की कि वहाँ पर उसको इंस्टेंट फीडबैक मिल रहा है कि एक बच्चा जब वो कुछ पढ़ाने की कोशिश करता है जब वो कन्वर्सेशन करने की कोशिश करता है जब वो कोई प्रॉब्लम पोज करता है तो वो किस तरह से उसका जहन रिएक्ट करता है उसकी तरफ से इसका मतलब ये कि टीचर को रियल टाइम के अंदर ये मालूम हो रहा है कि वो जो जिस जहन के साथ वो इंटरेक्ट कर रहा है वो किस तरह से रिस्पॉन्ड कर रहा है तो ये तो बड़ी एक मॉडर्न सी चीज़ है मतलब हम इसको एक एनशियट क्लासरूम कह रहे हैं और हम बाद में आपने ज़िक्र किया कि एक ऐसा क्लास भी हम उसका ज़िक्र भी अभी करेंगे लेकिन ये तो एक बहुत ही क्या कहना चाहिए रिवॉल्यूशनरी सी बात है एक बहुत ही ज़बरदस्त बात है कि किसी तरीके से हमें इंस्टेंट फीडबैक मिलता जा रहा है काश हम आजकल की टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करके इस किस्म की कोई चीज़ कर सकें अच्छा दूसरी बात जो आपने पुराने ज़माने के क्लास के बारे में कही वो ये थी कि उसमें उसमें यह होता था कि आ, टीचर ये देखता था कि एक स्टूडेंट का समझने का या ग्रेस करने का किसी कॉन्सेप्ट को ग्रेस्प करने का की कैपेसिटी कितनी है और उसके हिसाब से वो अपनी स्पीड को चेंज कर लेता था इसको हम प्रोग्राम्ड कह सकेंगे कि ये वो अपनी इंस्ट्रक्शन को चेंज कर लेता था उस हिसाब से पेस को चेंज अपनी स्पीड को चेंज कर लेता था उस हिसाब से और ये तभी हो सकता है जब आपको इमीडिएट फीडबैक मिल रहा हो तो ये इन दोनों चीज़ों का बहुत गहरा ताल्लुक है कि आपको एक तो ये बहुत अहम चीज़ है कि फीडबैक मिल रहा हो और दूसरी अहम चीज़ यह है कि टीचर डायनेमिकली अपने आप को अपनी पैरागोजी को अपनी स्पीड को एडजस्ट करता चला जाए और उसके फायदे क्या होते थे उसके फायदे ये होते थे कि जो स्टूडेंट्स वहां बैठ के पढ़ रहे होते थे उन सबको समझ आ रही होती थी ये इसका आपने जिक्र नहीं किया जी बिल्कुल तो अब अगर मैं मुझे ये है कि मैंने ये इतना कोर्स ख़त्म करना है तो मैं कॉन्सनट्रेट करूँगा कोर्स ख़त्म करने में चाहे मेरे क्लास में अस्सी फीसद सत्तर फीसद पचास फ़ीसद को समझ आ ना आ रही हो तो मैं मेरी फोकस जो है अपनी टाइम लाइन जो है ये तो आप मॉडर्न क्लासरूम की बात मॉडर्न क्लास मैं उसकी बात कर रहा हूँ कि उसमें तो सबको समझ आ रही हो उस, उसमें सबको समझ आ रही थी क्योंकि आपने टाइम लाइन अपनी एडजस्ट कर ली लर्निंग रेट के हिसाब से तो तो इसका मतलब नाजरीन ये हुआ कि वहाँ पर जो टाइम था कोई चीज़ पढ़ाने का वो हर बंदे के हवाले से मुख्तलिफ हो जाता था जो पैडागोजी थी वो भी मुख्तलिफ हो जाती थी और जो लर्निंग आउटकम्स थे वो कॉन्स्टेंट हो जाते जी मतलब थोड़ा बहुत वेरिएशन उसमें हो सकती होगी लेकिन सब लोगों का बी प्लस ग्रेड आ जाता था अगर हम उस ज़माने में ग्रेड्स तो नहीं होते थे लेकिन अगर हम उनको ग्रेड करने की कोशिश करें तो तकरीबन सब लोग जो थे कुछ लोग ज़ाहिर बहुत शार्प होते होंगे और कुछ लोग बहुत अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करते होंगे तो नाजरीन इसको हम इस तरीके से देखें कि जो एनशेंट क्लास हुआ करते थे वहाँ पैटागोजी चेंज हो जाती थी वहाँ टाइम टू ग्रेस चेंज हो जाता था वहाँ वहाँ पर टीचर अपने आप को डायनेमिकली चेंज कर लेता था एक बच्चे को समझाने में ज़्यादा टाइम लगाता था एक बच्चे को समझाने में शायद वो कम टाइम लगाता हो लेकिन जो आउटकम होता था वो एक जैसा ग्रेड था सबके लिए उसके बाद आ, ये तरीका हमने छोड़ दिया और हम एक मॉडर्न क्लासरूम में चले गए और उस मॉडर्न क्लास की खास बात ये थी कि हम आ, बहुत सारे बच्चे एडमिशन टेस्ट के बाद आए हमारे पास और ये छठी जमात है और ये आठवीं जमात है और ये नाइन्थ जमात है और नाइन्थ जमात के बच्चों को एक इंस्ट्रक्टर पीरियोडिक टेबल पढ़ा रहा है और वो कन्वर्सेशन नहीं कर रहा वो अपना पेस एडजस्ट नहीं कर रहा इसका मतलब ये हुआ कि जो पैदागॉजी है वो कांस्टेंट है जो कंटेंट है वो भी उसने आज ही पढ़ाना है या उसने न्यूटन्स के लॉज पढ़ाने या उसने कैलकुलस इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन पढ़ानी है सबको यही चीज़ पढ़ानी है सबको एक स्पीड से पढ़ानी है और आखिर में जब वो लर्निंग आउटकम्स जज करेगा जब सेमेस्टर ख़त्म होने वाला होगा या साल ख़त्म होने वाला होगा या हफ्ता ख़त्म होने वाला होगा तो फिर वह मुख्तफ बच्चों को मुख्तलिफ ग्रेड्स दे देगा तो नाजिन ये बिल्कुल उल्टा हिसाब हो गया कि हमने टाइम फिक्स कर दिया हमने पेडागोजी फिक्स कर दी हमने कंटेंट फिक्स कर दिया और लोगों की लर्निंग को हमने वेरी करने की इजाज़त दे दी अब कुछ लोग डी भी ले रहे होंगे कुछ लोग सी भी ले रहे होंगे कुछ लोग ए प्लस भी ले रहे होंगे इसमें कन्वर्सेशन नहीं होती थी इसमें आ, टीचर को इंस्टेंट फीडबैक भी नहीं मिलती थी और इसमें टीचर क्योंकि इंस्टेंट फीडबैक नहीं मिलती थी तो उसको ये मालूम नहीं होता था कि इस बच्चे को समझाने का क्या तरीका होना चाहिए और इस दूसरे बच्चे को समझाने का क्या तरीका होना चाहिए और क्या मैं इस पर इतनी गुंजाइश इतनी लग्जरी भी नहीं होती थी कि वो इस बच्चे का ख़ास ख्याल रखे ट्यूशन सेंटर में तो वो ये कर लेते थे लेकिन क्लास में इसकी इजाज़त या इसकी गुंजाइश ही नहीं थी तो या सिर हम इस मॉडर्न क्लास पे फिर शिफ्ट क्यों हुए जब जिसके हमें सिर्फ नुकसान ही नुकसान नज़र आ रहे हैं देखें जी आ, इस पुराने क्लासरूम में उम्मीद ही होती थी कि आपकी आबादी के एक दो फ़ीसद तीन फ़ीसद लोग आ, जो हैं वो तालीम हासिल करेंगे मॉडर्न क्लासरूम आता है बुनियादी तौर पे डेमोक्रेसी के साथ आ, के जहाँ पे और उस क्लासरूम का मकसद ये था कि जब सब्जेक्ट्स सिटीजन्स बनाना है तो उनको एक बेसिक एजुकेशन देनी है तो उसको देने के लिए वो वो बने थे और पहली दफ़ा ये हुई थी कि टीचर टू स्टूडेंट रेशो बहुत बड़ी थी जहाँ फाइव टू वन सिक्स टू वन होती थी वहाँ पे सिक्सटी टू वन हंड्रेड टू वन शुरू हुई तो ये फ्रांस में फिर इंग्लैंड में कुछ हद तक फिर अमेरिका में ख़ास तौर पे ये हुए आ, पाकिस्तान में तो इम्पोर्ट हुए बुनियादी तौर पे ये लेकिन हमारे मदरसे का तो रिवाज था जी पर मदरसे के अंदर तो वही पुराना तरीका था कि एक उस्ताद आ, आ, होता था वो बच्चों को मुख्तलिफ स्पीच के हिसाब से पढ़ा रहा होता था चाहे वो कैलकुलस पढ़ा रहा होता था चाहे वो फिका पढ़ा रहा होता था चाहे वो कानून या पोट्री पढ़ा रहा होता था ज़बान तो वो यहाँ पर आ, हमने जब वो स्कूल सिस्टम आया तो उस स्कूल सिस्टम में हम वो पर्सनलाइज या एडेप्टिव इंस्ट्रक्शन को हमने क्यों पीछे छोड़ दिया सच्ची बात है जी मदरसों के बारे में मुझे इतना मालूम नहीं है आ, मेरा ख्याल है कि ये आ, जो एफिशिएंसी एक ख़ास किस्म की आ रही थी इसके अंदर कि आप चलें अगर आप लर्निंग को वेरिएबल भी छोड़ देते हैं तो कुछ ना कुछ तो सबको मिल जाएगा तो बेसिकली ये ये नॉलेज की जो को जब एक्सपेंड किया हमने जनरल पॉपुलेशन में करने कोशी तब ये मकासद है हालांकि बाय द वे मैं कहना चाहता हूँ कि पाकिस्तान में इसकी इतनी कोई ज़रूरत नहीं थी क्योंकि हमने अभी तक 100 परसेंट लिटरेसी रेट अचीव नहीं किया या 80 90 परसेंट भी नहीं किया जो कि इस किस्म के क्लासरूम का असल मकसद है तो आ, लेकिन अगर मकसद उसका यह है कि टे, 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 टेक्नोलॉजी टेकन, जो थी जो लिमिट बोर्ड रूम आपके पास एक क्लास है आप हर एक से सवाल पूछेंगे ये सिक्सटी टू वन रेशियो के अंदर नामुमकिन है तो टेक्नोलॉजी एक लिमिटेड थी उस जमाने में इमीडियट फीडबैक ड्रॉप करना पड़ा आपने बहुत ज़्यादा नंबर को हैंडल करना था इसलिए आपको इंडिविजुअल लर्निंग रेट को अडेप्ट करना उसको भी ड्रॉप करना पड़ा तो आपने वो चीज़ें दोनों ड्रॉप कर दी और आपने आ, एक लर्निंग जो आप कंटेंट डिलीवर कर रहे हैं उसको कांस्टेंट रख के आपने कोशिश की कि सबको कुछ ना कुछ पहुंचा दिया जाए तो नाजिन अब आप इसको इस तरह से देखने की कोशिश करें कि हमारा जो गोल होगा इस कोर्स के अंदर वो ये होगा कि किस तरीके से हम एक मॉडर्न क्लासरूम के अंदर जिसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं हम ये लग्जरी तो एफोर्ड नहीं कर सकते कि 20-25 स्टूडेंट्स जो हैं वो एक आलिम के साथ बैठे हुए हों हम ये एज्यूम कर रहे हैं कि 50 या 50 से भी ज़्यादा स्टूडेंट्स एक क्लासरूम के अंदर बैठे हुए हैं तो किस तरीके से वो एनशियनट क्लासरूम हम वापस ले आए यानि टीचर टू स्टूडेंट रेशो जो है वो बहुत ज़्यादा है लेकिन हम टेक्नोलॉजी को किस तरह से इस्तेमाल करें हम पेडागोजी के जो नए टेक्निक्स हमारे पास हैं जो नए टूल्स हमारे पास हैं हमें प्रॉब्लम्स ऑफ लर्निंग का जो इल्म है इस वक्त उनको जानते हुए हम किस तरीके से एक मॉडर्न क्लास के अंदर वो जो एनशियट क्लासरूम्स के सारे फ़वाद थे कि वहाँ पर मैंने अभी आपसे ज़िक्र किया यासिर ने बहुत डिटेल के साथ किया दो इम्पॉर्टेंट उनके उनके फ़ीचर्स थे बड़े पावरफुल फीचर्स थे एक फ़ीचर वहाँ पे ये था कि आ, हमें इंस्टेंट फीडबैक मिलता था कि एक जहन किस तरह से रिस्पॉन्ड कर रहा है जब उसको कोई सवाल किया जाता है या जब उससे कोई या जब उसको कुछ बताया जाता है जब उसको कोई प्रॉब्लम पोज किया जाता है तो वो किस तरह से रिएक्ट करने की कोशिश करता है वो इंस्टेंट फीडबैक वहाँ अवेलेबल नहीं था उस वक़्त था एनशेंट क्लासरूम में मॉडर्न क्लासरूम में नहीं था हम टेक्नोलॉजी को कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं कि वो इंस्टेंट फीडबैक आ जाए और उसके बाद अगर वो फीडबैक हमारे पास आ जाए तो किस तरीके से हम अपना पैडागोजी को डायनेमिकली चेंज कर सकते हैं या हम ये सोच सकते हैं कि फोटी स्टूडेंट्स इस तरह से सोचने की कोशिश कर रहे हैं और ३०% स्टूडेंट्स इस तरह से सोचने की कोशिश कर रहे हैं तो मैं ये ना करूं कि मेरा जो पेडागॉजिकल स्टाइल है या जो मैंने पेडागॉजिकल कंटेंट जनरेट किया हुआ है वो सिर्फ १०% स्टूडेंट्स के लिए हो और बाकी ४०% स्टूडेंट्स जो हैं उनका जो लर्निंग स्टाइल है लर्निंग स्टाइल आ, का जिक्र भी थोड़ा सा करेंगे इस कर्स में तो वो कहीं महरूम ना रह जाएं तो मतलब ये हुआ कि हम ये कोशिश करेंगे कि एक मॉडर्न क्लासरूम के अंदर हम एक एनशेंट क्लासरूम रूम जनरेट करने की कोशिश करें और हम इसको अपना फ़्यूचर क्लासरूम कहेंगे तो क्या पैडागॉजिकल टेक्निक्स होनी चाहिए क्या टेक्नोलॉजी के टूल्स हमारे पास होने चाहिए कि हम पीरियोडिक टेबल बच्चों को अच्छी तरह से पढ़ा सकें हम डिफ्रेंशिएशन और इंटीग्रेशन उनको अच्छी तरह से पढ़ा सकें और अच्छी तरह से पढ़ाने का मतलब क्या है इसको हम मेयर कैसे कर सकें कि आज जो कुछ हमने पढ़ाया है वो वाकई अच्छी तरीके से बच्चों ने पढ़ाया है कि नहीं मेरे ख़्याल में एक प्रिंसपल का, का काम या एक हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट का काम रोज़मर्रा कामों में और बहुत सारी चीज़ें होती हैं लेकिन ये सबसे अहम काम है उसका ये उसकी प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसको पता हो कि अगर आज चार नाइन्थ क्लास या टेंथ क्लास के सेक्शन में पीरियोडिक टेबल पढ़ाया जा रहा है तो कितने परसेंट बच्चों को उसकी वाकई समझ आई है और अगर समझ नहीं आई तो क्यों नहीं समझ आई अगर हमें ये चीज़ मालूम हो जाए कि कितने बच्चों को समझ आई है और कितने बच्चों को समझ नहीं आई और उसके बाद हमें यह भी मालूम हो जाए कि उनको समझ नहीं क्यों नहीं आई तो फिर हम अगली दफ़ा इस प्रॉब्लम को एड्रेस कर सकते हैं ये सारे मसाइल लेके हम इस कोर्स में आपके साथ चलेंगे हमें उम्मीद है कि इस कोर्स को आप इंजॉय करेंगे लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि इसमें आपको पैडागॉजी भी पढ़नी पड़ेगी इसमें आपको टेक्नोलॉजी भी पढ़नी पड़ेगी इसमें आपको कंटेंट भी बीच में लाना पड़ेगा इन तीनों को अलग करके हम नहीं रह सकते इन तीनों को जब हम इकट्ठा करेंगे और एक डिज़ाइन बनाएंगे आ एक टेक्नोलॉजिकल पैडागॉजिकल कॉन्टेंट नॉलेज जनरेट करेंगे और उसके बाद ये टेस्ट करने का एक मेकेज़म बनाएंगे टेक्नोलॉजी के ज़रिए से कि इस तरीके से जब मैं पढ़ाना शुरू करूंगा तो कितने बच्चों को समझ आएगा कितने बच्चों को समझ नहीं आएगा मेयर करने के हमारे पास तरीके होंगे और फिर ये भी डिस्कस करने की स्टडी करने की कोशिश करेंगे कि जिनको समझ नहीं आया उनको क्यों नहीं समझ आया तो फिर हम अपने रास्ते पर आगे सफ़र कर सकते हैं मुझे यकीन है हमारा ये सफ़र बहुत एक्साइटिंग होगा बहुत मज़ेदार होगा अगले मॉड्यूल के लिए तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए यासिर हाशमी और अशरफ इकबाल की तरफ से खुदाफि